साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज का वीडियो विद्या संबल योजना के तहत जो एक्सेल शीट बनाई गई है उस एक्सेल शीट के अंदर जो अपडेट किया है आप लोगों के सुझाव और फीडबैक के आधार पर उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दी जा रही है। साथियों विद्या संबल योजना के तहत जो एक्सेल शीट बनाई गई है ये फुली ऑटोमेटिक एक्सेल शीट है जिसके माध्यम से आप अपने विद्यालय स्तर या PO स्तर पर जितने भी आपके पास आवेदन आएंगे अभ्यर्थियों के उन सभी का ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर रखी है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या अपडेशन किया है। डाटा एंट्री सीट के अंदर जो अननेसेसरी सेल्स थी कॉलम्स थे उनको हटा दिया है, जो आपकी ज़रूरत की है वही रखी है और इस पर जो रो है वो लगभग 1000 कर दी है ताकि आपके पास अगर अधिकतम 1000 आवेदन आवे तो भी आप इस पर अपना वर्क कर सकते हैं आसानी से। साथ ही विषय के अंदर एक विषय और जोड़ा है सामान्य शिक्षक का पद, जो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है सामान्य शिक्षक या स्पेशल टीचर, जो भी आपके यहाँ है उसके आधार पर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक पोस्ट इसके अंदर और क्रिएट की है जिसकी जानकारी आपको दी जा रही है। कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जो टोटल रेशियो फॉर्म का फॉर्मेट है वो भी अपडेट कर दिया है, जो नई सेल्स रो बढ़ाई है उसके आधार पर। साथ ही कैंडिडेट रेशियो फॉर्म है इसको भी हमने बढ़ाकर 1000 कर दिया है और इस पर कुल 30 पेज होंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप किस प्रकार से इसका प्रिंट लें। आपको जिस पद या पोस्ट का प्रिंट चाहिए वो पद पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेवे। सेलेक्ट करने के बाद आप एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं। जैसे अभी आपके सामने एक पेज पर ही डेटा दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है जब भी आप प्रिंट देवे तो आप 1-to-1 ही करें ताकि एक पेज ही प्रिंट हो, बाकी के पेज खाली ब्लैंक आपके प्रिंट ना हो। इसकी जो अगली सीट है स्कूल वाइज सूची, आप इसके अंतर्गत जो शाला दर्पण की निक आईडी है उसके तहत जो भी निक आईडी सिलेक्ट करेंगे और आपके यहाँ पर वो आईडी लिखी हुई है तो उसके आधार पर डाटा फेच होके उस आईडी पर जितने भी आवेदन आए हैं वो सारे यहाँ दिखा देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर 3 इस आईडी पे आए हैं तो वो दिखा रहा है, साथ ही उसकी रैंकिंग भी यहाँ आ रही है। अब आप सोचेंगे कि तीनों के 1-1 कैसे आई है, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट अलग अलग है जैसे हिस्ट्री मैथ्स तथा लेवल 1 की पोस्ट है, तीनों पोस्ट अलग अलग है तो तीनों के अंदर रैंक भी अलग अलग इसने दे दी है। इसके अलावा एक और करके देखते हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया इस पर काफ़ी सारे फॉर्म्स आए हैं उसकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी अलग अलग बनेगी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर ये NA कर रखा है वो लेवल 1 के पोस्ट है तो इनकी आपको मिलेगी फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक। देखिए आप लेवल 1 के अंदर 75% इधर भी है और 75% ये भी है, लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ अधिक होगी उसको एक नंबर करेगा और जिसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी कम या छोटी रहेगी उसको ये नीचे लेके जाएगा 2 नंबर पे। साथियों इस प्रकार की एक डायनेमिक रैंक निकालने के लिए बहुत मेहनत लगी है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार का बनाने के लिए ऑटोमेटिक ये चीज़ बनाने के लिए बहुत समय और मेहनत लगी है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब देखते हैं अगली सीट। अगली जो सीट है वो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट, इसके अंदर आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट दिखा देगा तथा ये किस आवेदित विद्यालय के लिए है उसके क्रमांक भी दिखाएगा। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अलग पद और जैसे ही मैंने ये पद सिलेक्ट किया यहाँ नीचे कुछ नहीं आया, इसका सीधा सा अर्थ है आपको अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेगा। अगर आप पोस्ट और सब्जेक्ट दोनों सेलेक्ट करेंगे तब जाके यहाँ पर एंट्री शो होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक पद कोई फिल कर देता हूँ, जैसे मैंने ये पोस्ट सेलेक्ट कर दी लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट भी, यहाँ पर क्लिक करूँगा सब्जेक्ट पे तब जाके यहाँ पर आपको ये पद प्रदर्शित होगा और उसकी रैंक भी दिखाई देगी। साथियों इस पर भी जो रैंक आपको दिखाई देगी वरीयता क्रम दिखाई देगा वो भी डायनेमिक तरीके से है। जैसे मैं यहाँ लेवल 1 करता हूँ
तथा लेवल वन के अंतर्गत कोई भी पद नहीं होता है, लेवल वन सामान्य होता है, इसलिए आप एनए करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी एल वन के पद की आपके पास फॉर्म आए हैं उनकी सारी की सूची आ जाएगी, और ये किस किस विद्यालय के लिए आए हैं उन विद्यालयों का नाम और उनके आईडी आ जाएगी। और यहाँ पर देखोगे आप जो वरीयता क्रमांक है वो इन विद्यालयों के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। जैसे अभी आपको ये क्रम संख्या और ये तीन यहाँ पर एक विद्यालय के फॉर्म है, लेकिन इनकी वरीयता उसके अकॉर्डिंग ही है, या फिर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और दूसरे जो विद्यालय है उनकी रैंक अलग है। इस प्रकार का फॉर्मूला एक्सेल के पास था ही नहीं, ये फॉर्मूला ईजाद करने के लिए काफी मेहनत लगी है और इस फॉर्मूले को हमने मैनुअल बनाया है और इस प्रकार का तैयार किया है। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा है और जिसके आधार पर इस प्रकार की रैंकिंग निकल रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तथा हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा ताकि हम आपके लिए और ऐसी चीजें लेकर आए। अब इसकी जो अगली सीट है उस सीट पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आप जो भी पद और जिस विद्यालय के साला दर्पणिक आईडी सेलेक्ट करेंगे उस विद्यालय के उस पद के अकॉर्डिंग आपके फाइनल लिस्ट आएगी, और वो भी 1, 2, 3 इस हिसाब के क्रम संख्या के आधार पर आएगी। आप इस आधार पर उनका नियुक्ति पत्र जारी कर सकते हैं, और उसके लिए अगली जो सीट है लेटर, इस पर आप जो क्रम संख्या लिखेंगे उसके आधार पर ये लेटर तैयार हो जाएगा। और इस पर निर्देश दे रखा है, स्पष्ट रूप से इसको जरूर पढ़िएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो सीट है इससे पहले वाली, लेटर से पहले वाले, इसको आप एक बार जरूर चेक कर लेवे और उस पर कोई भी त्रुटि एरर नहीं रहना चाहिए। वहां पर जो क्रम संख्या होगी उसी क्रम संख्या के आधार पर यहाँ पर ये लेटर जारी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक प्रोग्राम है और ये ऑटोमेटेड आपको संपूर्ण जानकारी, इन्फॉर्मेशन और जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ डेटा ऐसे रहते हैं जो नहीं आए, तो इसके लिए आपके पास एक डेटा फिल्टर फैसिलिटी रहेगी। इस पर आप किसी प्रकार का डेटा को फिल्टर करके उनकी रैंकिंग भी देख सकते हैं। उनकी रैंकिंग भी यहाँ दे रखी है और वो भी डायनेमिक तरीके से अलग अलग पद और अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग रैंक यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यही तो कमाल किया है, और इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो बड़ा ही अद्वितीय यूनिक है। और इसके लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मोटिवेशन प्रदान करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।